वैसे तो लोग दिल्ली को दिल वालों का शहर बताते हैं, लेकिन एनसीआरबी की नई रिपोर्ट तो इसके बिल्कुल उलट ही दिखाई पड़ रही है। नई रिपोर्ट में मौजूद डाटा के अनुसार तो दिल्ली दिल वालों की नहीं दरिंदों की नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक शहर होता जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली महिलाओं के लिए देश की सबसे असुरक्षित मेट्रो सिटी है। आपको बता दें, दिल्ली में पिछले साल हर दिन 2 नाबालिग लड़कियों के रेप के मामले दर्ज हुए हैं। 2021 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,892 मामले दर्ज हुए हैं और 2020 में ये संख्या 9,782 थी। मतलब महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 49% की बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी के मुताबिक कुल 19 महानगरों में रिपोर्ट किए गए अपराधों में 32.2% मामले केवल दिल्ली से आए। दिल्ली के बाद मुंबई में 12.7% और बेंगलुरु में 7.2% क्राइम अगेंस्ट वुमेन में दूसरे और तीसरे नंबर पर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह के मामले रिपोर्ट हुए हैं। अपहरण के 3,948 मामले, पतियों द्वारा क्रूरता के 4,674 मामले, नाबालिग लड़कियों के रेप के 833 मामले, महिला के गरिमा के अपमान से जुड़े 2022 मामले। आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2021 में दिल्ली में औसतन हर दिन 2 नाबालिग लड़कियों का रेप किया गया है। राजधानी में 2021 में दहेज हत्या के 136 मामले दर्ज किए गए, जो 19 महानगरों में होने वाली कुल मौतों का 36.2% है। सभी महानगरों में कुल 8,664 मामले रिपोर्ट किए गए, जिसमें से दिल्ली से 3,948 मामले आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में पिछले साल महिलाओं के गरिमा के अपमान में 2022 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये बात भी है कि 2021 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉस्को एक्ट के तहत 1,357 मामले दर्ज किए गए थे। एक जरूरी आंकड़ा और आपको बताते चलूं, 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,49,404 मामले दर्ज हुए। इसमें से 53,874 मामले यानी 36.05% मामले यौन अपराध से जुड़े हैं। बच्चों के साथ यौन अपराध से जुड़े सबसे ज्यादा केसेस सिक्किम से हैं, करीब 48%। इसके बाद लिस्ट में केरल 28.1%, मेघालय 27.8%, हरियाणा 24.7% और मिजोरम 24.6% है।